बिल्कुल, देखिए लखनऊ से जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं प्रयागराज ज्ञानेंद्र के पास, और ज्ञानेंद्र से जानते हैं कि ये जो इस्तीफों की झड़ी दो दिन में देखने के लिए मिली है, ज्ञानेंद्र प्रयागराज के लोगों की इस पर क्या राय है? बीजेपी से हैं जी, बीजेपी से हैं। क्या चल रहा है बीजेपी में? बहुत अच्छा चल रहा है। कहाँ चल रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य और सब लोग जो है इस्तीफा दे रहे हैं, निकल रहे हैं। अब भाई जो जनता का काम नहीं किए हैं और खाली 5 साल विधायक बनने के बाद ऐसो आराम में लिप्त हैं तो निश्चित रूप से इस्तीफा देंगे। अब टिकट काटने की सुबुकाहट है, अब पार्टी नए लोगों को मौका देगी। जो वहाँ पे संघर्ष किए हैं, मेहनत किए हैं, तो उनके जाने से कोई असर नहीं पड़ता। और स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्ड तुम्हारे पास, केशव मौर्य हैं, केशव मौर्य परेशान हो जाएंगे, सब विधायक भी पीछे पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं परेशान होंगे, केशव मौर्य बहुत बड़ा चेहरा है, उत्तर प्रदेश ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के चेहरा है। कौन से पार्टी से हैं? हम पार्टी से नहीं हैं, अधिवक्ता हैं, समाजसेवी हैं। समाजसेवी हैं, आम आदमी का भी बहुत जरूरी है। आप ये बताइए, ए अरविंद मास्क ले आओ जरा, इलेक्शन कमीशन की PC हुई थी, देख रहे थे, कह रहे थे है मास्क, किसको आपको दे दें? अच्छा ठीक है, ये ले लीजिए, मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए। हाँ तो अधिवक्ता जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी की स्थिति खराब होगी इससे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो 5 साल मायावती के साथ रहे, मायावती में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, उनको लास्ट में धोखा दिए, 5 साल बीजेपी की मलाई खा करके लास्ट में धोखा दिए, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी भी आज के डेट में डूबती हुई जहाज है। जो डूबती हुई है बीजेपी से लिए डूबती हुई जहाज है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, न तो बेरोजगारों के लिए किया, न तो नौजवानों के लिए किया। कहते हैं मंदिर बनवा रहे हैं, किया मंदिर बनवा रहे हैं, ओके, मंदिर का सवाल अब खत्म हो चुका है, मंदिर कोई इशू नहीं था, मंदिर के सवाल पे कभी भी वोट नहीं पड़ा है, मंदिर सिर्फ उनके उसमें रहता था जरूर। पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस का कोई मतलब नहीं है, उस पर गरीब आदमी से कोई मतलब नहीं है, वो तो विकास की एक कड़ी थी, वो तो चल ही रही है, हर जगह चल रही है, उसका कोई बहुत मतलब। कांग्रेस से हैं आप, मास्क ऊपर लगा लेते तो बहुत ठीक रहता, दिख गए हैं आप, दिख गए हैं पूरा, मतलब आप खड़े हैं पूरा। ये बताइए कि बीजेपी से तो मान लीजिए इस्तीफा दे रहे हैं सब, सपा जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कांग्रेस कहाँ है, आपको क्या लग रहा है, आपके पास क्यों कोई नहीं आ रहा है, आपके वाले भी सब जा रहे हैं इधर उधर? कांग्रेस राजनीति की मुख्य धारा में है, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इन तीनों के पेट में कांग्रेस के नाम से दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की पतवार को थाम करके उस उत्तर प्रदेश की नाव को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रही हैं। ABP News आपको रखे आगे।